आज के दिवस पे हार्दिक बधाई के साथ साथ मैं उस महिला का भी नाम लेना चाहता हूँ जिसने संघर्ष शुरू किया। 1857 में एक महिला हुई न्यूयॉर्क में, क्लारा जेटकिन। ऐसी महिलाएं अगर इस धरती पे पैदा नहीं होती तो हम शायद यहाँ पे नहीं बैठे होते। और हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं, सावित्रीबाई फुले, अगर वो भी ना होती तब भी नहीं बैठे होते, क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और उसने जो है छिप छिप के महिलाओं को और लड़कियों को पढ़ाया। पहले आप पढ़ी सावित्रीबाई फुले, उसका नाम इतिहास से गायब कर दिया जा रहा है। आज सुबह ही मैं खबर पढ़ रहा था, जस्टिस चंद्रचूड़ है, जज है, वो कह रहा था जब तक मैं बैठा हूँ संविधान के तहत देश चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान को खतरा है, और संविधान को खतरा है तो हमारे को खतरा है, क्योंकि जो संविधान उसका विकल्प के रूप में आ रहा है ना, मनुस्मृति, उसमें वो फिर सारी चीजें आएंगी, सती प्रथा भी आएगी और महिलाओं का जो है टैक्स भी लगेगा कपड़े पहनने पर, जैसा केरल में था, नांगली एक वहाँ महिला थी, उनको अपना ऊपर का शरीर ढकने का अधिकार नहीं था, और बाल विवाह भी होंगे। आज करता है कोई सरकार में कोई बाल विवाह का जो विरोध है? आंगनवाड़ी वर्कर ने कर दिया और शरारती गुंडे उनके पीछे छोड़ दें, उनको भी खतरा है। तो आज इस दिवस के ऊपर हमने एक व्यापक लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं जब आप उधर बैठे थे तब भी हम थोड़ा थोड़ा सुन रहे थे, हमारे साथी अच्छा संबोधन कर रहे थे कि व्यापक लड़ाई का मतलब क्या है। व्यापक लड़ाई ये है कि संघर्ष तो अपने घर में भी होगा, हो सका है बहुत सारी बहनों के दिमाग में ये हो कि भाई घर जाते जो है जवाब देना पड़ेगा, इतना टाइम कहाँ लगाया, लेकिन वो भी एक संघर्ष है। बहुत सारी महिलाओं ने करा, पतियों के साथ लड़ाई हुई, बेटों के साथ लड़ाई हुई, और तब जाके न्याय मिला। अब आपको तय करना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको ये संविधान जो आज का संविधान है ये चाहिए, या फिर 2024 या 25 जब भी इलेक्शन होंगे और उसके बाद जो आज की सरकार आई तो ये ना ये संविधान होगा और ना भविष्य में कभी चुनाव होंगे। चुनाव नहीं होंगे, चुनाव प्रणाली खत्म होगी। 2 साल का ट्रायल ही ना करके देखा, सरपंची चुनाव नहीं होगा। और जब तक व्यापक लड़ाई नहीं लड़ते, जन मुद्दा साथ में नहीं होता, ठीक है सरपंच लड़ाई लड़ रहे, लेकिन जन मुद्दा तो हमें लेके रखना ही पड़ेगा साथ में। महिलाओं की लड़ाई, लड़कियों की लड़ाई, साथ में हमने अपने जो मांग है उनके साथ साथ जोड़नी पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ जब एक आंगनवाड़ी वर्कर बहन आवा है यहाँ अपनी लड़ाई के लिए, या हेल्पर आवा है, या आशा वर्कर आवा है, तो 5 महिलाएं वो भी क्यों नहीं आंदी जिनका वो फायदा पहुँचा रही, क्योंकि जब पता चलेगा कि भाई ये जनता की लड़ाई है, नहीं तो फिर ये महसूस हम ही करा दें कई बार अब भाई ये इनकी जो है तनख्वाह बढ़ाने की आ रही है, तो हर किसी की सरकार हो उसी में चला है तो लड़ाई। तो जन मुद्दा हमें साथ में जोड़ के चलना पड़ेगा, एक व्यापक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो ये लड़की यहाँ गीत गा रही थी, हम तो बात के माध्यम से अपनी बात कह दें, और भी जो नेता बोले हैं, और गीत के माध्यम से भी बहुत अच्छी बात कही जा सके, कला के माध्यम से जो उसने कही कि आज भी जो है धरती के ऊपर कोई लड़कियों का जीना जीना थोड़ी है। तो ये जो बढ़ावा मिल रहा है आजकल उड़दंगबाजी का, गुंडागर्दी का, अभी आप देख रहे थे अपने आसपास कॉलेज के नाम पर जो लड़के यहाँ आ रहे हैं, और वो के किस तरीके की बद फैली, और वो हो सके नशा करके पता नहीं क्या घटना को अंजाम देता शाम के टाइम। तो ये हम अछूते नहीं है। तो मैं ये कह रहा कि आप एक कल्पना करो, जिस होते पे भी आप वर्कर हो कुछ भी हो, आपके अगर घर के आसपास गंदगी है, बहुत ज्यादा गंदगी है, तो आप उस घर में रह नहीं सकते। हमें सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होना, तो ये हमारे आसपास जो गुंडागर्दी बढ़ रही है तो धीरे धीरे वो हमारे घर की तरफ बढ़ रही है। चोर उचक्के लिफंगे वो हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं, एक जिस दिन वो हमारे घर के ऊपर चोरी डकैती और वो जिस तरीके के भी उन्हें कर्म करने हैं, कोई घर सुरक्षित नहीं होगा। तो मैं इस व्यापक लड़ाई का आह्वान कर रहा हूं अपने ज्ञान विज्ञान समिति की तरफ से, और पुनः आपको बहुत बहुत इस दिवस की बधाई। धन्यवाद।